नमस्कार, एसएस फूड्स एंड पिकल चैनल हर्ब्स एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आए आज हम आपको एक नई वीडियो के साथ अपने इस चैनल का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको गरम मसाला इसकी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। हम लोग अपने घर में गरम मसाला खुद ही पीस करके बनाते हैं। हम बाज़ार का गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करते। आपको मैं बताऊंगी कि हम लोग अपने घर में जो गरम मसाला बनाते हैं उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं। ये लगभग 100 ग्राम देसी धनिया और लगभग 200 ग्राम ये जीरा और लगभग ये दो करछी बराबर ये काली मिर्च और ये चार ये बड़ी इलायची है, ये एक जायफल और लगभग ये 6-7 पिपली मग है। हम इन सब को अच्छी तरह साफ करके धूप में रखते हैं। इसके अलावा हम गर्मियों में ये सौंठ भी डालते हैं, जो ये सूखी हुई अदरक होती है। लेकिन जब हम सर्दियों में सौंठ डालते हैं तो इसकी मात्रा हम ज़्यादा रखते हैं। गर्मियों में सौंठ कुछ लोग पसंद नहीं करते, इसलिए हम नहीं डालते। ये ऑप्शनल है, गर्मियों में नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालें। ये एक टुकड़ा दालचीनी का है। हम इन सब चीज़ को साफ करके धूप में सुखा देते हैं। उसके बाद इसको हमाम दस्ते में महीन पीसते हैं, क्योंकि आप जो है मोटी इलायची और सौंठ इसको तो मिक्सी में नहीं पीस सकते। अगर आप मिक्सी में पीसेंगे तो इसके ब्लेड टूट जाएंगे, इसलिए हम इसको हमाम दस्ते में पीसते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो घर पे गरम मसाला बनता है इसमें जीरे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। बाकी खुशबू के लिए इसमें देसी धनिए का हमने इस्तेमाल किया है। अब हम इसको हमाम दस्ते में महीन पीस लेंगे। पीसने के बाद इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जब हम गरम मसाला बनाते हैं तो हम इसको भूनते नहीं हैं, ये एज़ इट इज़ जेन्युइन रहता है। इसको हमाम दस्ते में पीस करके छान करके हम इसका पाउडर बना लेंगे और इसको हम 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू रहती है। उम्मीद है अभी आपको हम दिखाएंगे कि हमने किस तरह से हमाम दस्ते में पीस करके छाना है। ये देखिए, जो हमने गरम मसाला आपको दिखाया उसको हमने हमाम दस्ते में पीस करके महीन छान लिया, जिसका स्वरूप इस तरह से आप देख रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस्तेमाल करें घर का बना हुआ, ये गरम मसाला घर का बना हुआ बहुत तेज़ होता है। लगभग जैसे आप 2 किलो कोई भी तरी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो इसमें केवल 1 चम्मच ये गरम मसाला डालना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तीखी होती है। और ये ध्यान रखें कि आप जब भी गरम मसाला निकालते हैं तो डिब्बा बंद रखें, डिब्बे को एयर टाइट करके बंद कर दें। एक तो उसमें सीलन नहीं आएगी, दूसरा गरम मसाले के अंदर उड़नशील तेल होते हैं, अगर आपने खुला छोड़ दिया तो ये तेल उड़ जाता है और गरम मसाले की खुशबू ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, हमारे घर का गरम मसाला ऐसा होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की
वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।